पिछोर जेल में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। पिछोर जेल में पहुंची बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने, बहनों ने अपने जेल में बंद भाइयों को राखी बांधी और उनके लंबी उम्र की कामना की। साथ ही बहनों ने अपने भाइयों से उपहार के तौर पर एक वचन मांगा। बहनों ने अपने भाइयों से वचन मांगते हुए कहा कि आप हमें ये वचन दें कि कभी कोई अपराध नहीं करेंगे और कभी जेल नहीं जाएंगे। इस तरह भाइयों ने भी अपनी बहनों को वचन दिया कि कभी कोई अपराध नहीं करेंगे और ना ही जेल जाएंगे। जेल प्रबंधन द्वारा भी आज बहनों को अपने भाइयों को राखी बांधने की इजाज़त दी और अच्छी व्यवस्था कराई। बहनों ने भी जेल प्रबंधन की तारीफ की। साथ ही उन्होंने बताया कि जेलर महोदय द्वारा हम सभी बहनों को अपने भाइयों को राखी बांधने का मौका दिया और अच्छी व्यवस्था कराई। इस तरह आज पिछोर जेल में बंद भाइयों को बहनों से राखी बांधी और रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रीति। प्रीति, आज आप जेल में आई, अपने भाई को राखी बांधी, किस तरह की व्यवस्था यहाँ लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था मिली और जेलर साहब ने अच्छा मतलब हमारा को किया सम्मान और भाई को राखी बांधी। तो भाई से हमने बोला कि अगली बार ऐसे काम मत करना कि दूसरी बार जेल आना पड़ा। तो भाई ने हमें वचन बोला कि अब ऐसे काम नहीं करेंगे। तो भाई ने ऐसा वचन दिया कि अब कभी गलत काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, ऐसा वचन दिया भाई ने कि नहीं करेंगे कभी ऐसे। अच्छा, तो राखी बंधाई में आपने ये वचन लिया भाई से। सर, आज रक्षाबंधन के मौके पर बंदियों को बहनों ने राखी बांधी, जेल प्रबंधन द्वारा क्या व्यवस्था की गई? आज जेल मुख्यालय के स्पेशल निर्देश प्राप्त हुए थे कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और बहनों को खुद मुलाकात दी जाए, उसी निर्देश के कारण में हमारे द्वारा मुलाकात कराई गई। तो क्या किस तरह की सुविधा और बहनों के लिए रोली चंदन, भाइयों को टीका लगाने के लिए नारियल मिठाई ये सब रखी गई है उनके संस्था, और पीने के लिए पानी की व्यवस्था है उनके लिए